हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। इंटेलिजेंस की थियरीज हमने डिस्कस की हैं, काफ़ी सारी कर ली हैं, बट एक दो नाम और रहते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। बर्ट की ग्रुप फैक्टर थियरी का नाम और दना जौहर और मार्शल की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस थियरी, ठीक है। प्लस ये जितनी भी थियरीज अब तक हमने पढ़ी हैं उनको अगर हायरार्की में लगाने को बोल दिया जाए या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि पहले कौन सी थियरी आई उसके बाद कौन सी थियरी आई, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बनता है कि जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करवाइए। एंड बर्ट की ग्रुप फैक्टर थियरी से शुरू करते हैं। नाम ही पता चल रहा होगा, ग्रुप फैक्टर। पॉइंट ये है कि कंफ्यूजन वहां आता है जब कई बार हमसे पूछा जाए कि ग्रुप फैक्टर के जो है रचयिता कौन है या किसने दी है, ओरिजिनेटर कौन है, जिसने ओरिजिन किया ग्रुप फैक्टर का। तो हमें सबसे पहला ध्यान आता है थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थियरी है ना, राइट। बट उनसे भी पहले अगर ग्रुप फैक्टर्स की बात की थी तो वो बर्ट थे, ठीक है। सो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि नेट में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो हो सकता है किसी भी टेट में लेवल को थोड़ा सा एडवांस करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो बर्ट ने जो स्पीयरमैन का मॉडल था जनरल इंटेलिजेंस का, उससे डाटा को एनालाइज किया। किसका डाटा एनालाइज किया? जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनका, ठीक है। तो बहुत सारे टेस्ट उनके ऊपर किए, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने 1909 में बर्ट के जो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट थे वो पब्लिश हुए जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर, इन विच ही यूज्ड फैक्टर एनालिसिस। उन्होंने यूज किया था चीजों को, फैक्टर एनालिसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार, टू डिफाइन द काइंड ऑफ फैक्टर्स एट प्ले इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो जो भी टेस्ट उन्होंने किए थे, एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के ऊपर करके देखे थे स्पीयरमैन के मॉडल से, जनरल इंटेलिजेंस उठा के ये देखने के लिए कि जनरल इंटेलिजेंस क्या एग्जिस्ट करती है या वगैरह वगैरह। तो वो फैक्टर एनालिसिस के थ्रू उन्होंने रिजल्ट्स को पब्लिश किया 1909 में, और वहां पे उन्होंने ये चीज बोली कि बर्ट की थियरी में क्या बोला गया, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड ग्रुप, मतलब ग्रुप और कॉमन दोनों फैक्टर की बात कर रहे हैं ये। तो सबसे पहले ग्रुप फैक्टर की बात बर्ट ने की थी, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। सो ही बिलीव्ड इन अ हायरार्की ऑफ द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद मेनी लेवल्स। तो हायरार्की में ये बिलीव कर रहे थे, बट हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि 1909 में बर्ट ने जो है ग्रुप फैक्टर की बात की थी, 1909 में उनका काम पब्लिश हुआ था, स्पीयरमैन के मॉडल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चीजें की थी, क्योंकि स्पीयरमैन का टू फैक्टर मॉडल था या टू फैक्टर थियरी थी, जिसमें वो जनरल और जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस और एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, दो फैक्टर्स की, ठीक है। सो वहां से इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जनरल इंटेलिजेंस को देखते हुए किए, बट उन्होंने अंत में कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई एक कॉमन फैक्टर होते हैं और एक ग्रुप फैक्टर होते हैं, कॉमन जो सब में कॉमन रहेंगे, मतलब वो जनरल इंटेलिजेंस जैसा ही काम हो गया, ठीक है। तो ग्रुप फैक्टर का नाम से आपको बर्ट का नाम याद रखना है भाई। एक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, बट स्टिल अगर पूछ लिया जाए तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस थियरी जो है वो 2000 में, सन 2000 में दी थी जौहर और मार्शल ने। उन्होंने स्पिरिचुअल कोशेंट भी डिफाइन किया था, जैसे हम इमोशनल कोशेंट पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट पढ़ते हैं। अगर इमोशनल कोशेंट के टाइम मैंने आपको बताया था, ये केवीएस में जब एक लेक्चर करवाया था, तो मैंने DSSB की प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है, आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये EQ जो है वो भी मैटर करता है, तो EQ IQ। अब एक और चीज आती है स्पिरिचुअल क्वेश्चन यानी SQ या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस SI, ठीक है। ये होती क्या है? ये इंटेलिजेंस होती है जिसमें हम एड्रेस करते हैं और या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं रिलेटेड टू मीनिंग या वैल्यू, मतलब आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं या मीनिंग क्या है, लाइफ का पाथ क्या है। तो वो सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी जब हम बात कर रहे हैं, उनको सॉल्व करने की जब हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, ठीक है। सो द इंटेलिजेंस इन विच वी प्लेस आर एक्शंस एंड लाइफ्स इन अ वाइडर रिचर मीनिंग गिविंग कॉन्टेक्स्ट, तो एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में हम उन चीजों को देखते हैं। इंटेलिजेंस विद विच वी कैन एक्सेस दैट वन कोर्स ऑफ एक्शन और वन लाइफ पाथ इज मोर मीनिंगफुल देन अनदर। सो ओवरऑल बात वही हो रही है, हम बोल देते ना कि अध्यात्म वाली चीजें, तो वही यहां पर बात हो रही है अध्यात्म वाली, स्पिरिचुअलिटी वाली, कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसको बड़े लेवल पे देख रहे हैं। कि मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो बड़े लेवल
लेवल पे इसका क्या इफेक्ट होगा, कि क्या आप लोगों में से बहुत सारे लोग मतलब जब मेरे से पढ़ेंगे या उनके थिंकिंग प्रोसेस में कुछ चेंज आएगा, क्या वो आगे जाके कुछ अच्छा इफेक्ट डाल पाएंगे। सो वो चीज़ है कि आप अपने कोई भी एक एक्शन को बहुत वाइडर लेवल पे देखना चाह रहे हैं, तो अगर आप वो चीज़ कर पाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप चीज़ों को एड्रेस कर पाते हैं, तो वो क्या बोला इन्होंने, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोला। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 2000 में ये थियरी दी थी, ये जोहर और मार्शल की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की थियरी है, जिसमें वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। दैट्स इट, ठीक है। चलिए, ये थी हायरार्की। ये हायरार्की कई बार ना आपको ईयर जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, बट अगर ईयर ऊपर नीचे भी मिले तो भी मतलब इट्स लाइक 1967 दे रखा है, तो इसके ऊपर नीचे कई जगह पे 1961 या 59 भी दे रखा है, ठीक है, बट हायरार्की यही रहेगी ज्यादा कम ज्यादा करके भी, ठीक है। तो वो हायरार्की आपको याद रखनी है। स्पीयरमैन की 2 फैक्टर डेफिनेटली, बिने की 1 फैक्टर इससे पहले रहेगी, स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थियरी है। देन अब देखिए स्पेयर में देखा जाए तो बिने और साइमन ने 1905 में टेस्ट वगैरह की बात की थी, बट स्टिल हम 1 फैक्टर की थ्योरी को इससे पहले रख के चलते हैं कि 1 फैक्टर की बात की थी। फिर स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर की बात की, बर्ट ने ग्रुप फैक्टर की बात की, फिर थर्स्टन ने अनदर ग्रुप फैक्टर की बात की 1935 में, उसके बाद थॉर्नडाइक ने मल्टीपल फैक्टर की बात की, देन गिलफर्ड का जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट है उन्होंने 3 बार चेंज किया, जिसमें हम 120, 150, 180 सेल्स पढ़ते हैं, जो मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। फिर वर्नन की हायरार्की थ्योरी रहेगी, कैटल की क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी रहेगी, डेनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस की बात रहेगी, ये भी मैंने करवा रखा है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस कब करवाया था इसका एस्पेक्ट केवीएस के टाइम जो क्लास ली थी उसमें करवा रखा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, ट्रायार्किक थ्योरी और ये जो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की थ्योरी। तो ये थ्योरीज को थोड़ा सा कंटिन्यूटी ध्यान रखिए, और बाकी सारी मैंने डिटेल में करवा रखी है, तो आप देख सकते हैं वहां से, ठीक है। सो आई होप आपके लिए एक क्लास यूजफुल रही होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा, समझ आ गया है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।